कठुआ गैंगरेप केस में 8 अभियुक्तों के खिलाफ आज से शुरू होगी सुनवाई। निष्पक्षता के लिए सिख वकील नियुक्त। कठुआ गैंगरेप केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सख्त रुख। अगर कोई भी वकील दोषी पाया गया तो जीवन भर के लिए लाइसेंस रद्द होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 218 उम्मीदवारों की पहली सूची। चामुंडेश्वरी सीट से लड़ेंगे सिद्धारमैया। उत्तर प्रदेश और बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए उम्मीदवार। सूरत में नाबालिग लड़की की पहचान के लिए लगाए गए 1200 पोस्टर, शरीर पर मिले थे 86 चोटों के निशान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अयोध्या में राम मंदिर फिर से नहीं बना तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर हमले के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों की पूरी बस्ती जलकर हुई राख, पुलिस का दावा शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कल आईपीएल के पहले मुकाबले में संजू सैमसन की तूफानी पारी से हारे रॉयल चैलेंजर्स, राजस्थान ने दर्ज की दूसरी जीत। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में काम नहीं आई धोनी की ताबड़तोड़ पारी, 4 रन से हारी चेन्नई सुपर किंग्स।